सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रेफ्रिजरेंट यानी कि गैसेस के बारे में। दोस्तों गैसेस काफी तरह की है, R22, R134 और बहुत सारी गैसें हैं जो बड़े बड़े प्लांट्स ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स में डाली जाती हैं। आज उन सबका मैं आपको स्टैंडिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर और उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों, कौन सी गैस किसमें ज्यादा इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि किस गैस को हम सिलेंडर को उल्टा कर डाल सकते हैं और किस गैस को हमने सीधा रखकर ही डालना है, यानी कि किस सिस्टम में हमने लिक्विड डालना है और किस सिस्टम में हमने उसका सिर्फ रेफ्रिजरेंट यानी कि वेपर गैस सिर्फ डालनी है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको काफी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं R22 गैस के बारे में। दोस्तों ये एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल की जाती है, जितने भी स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, इनमें R22 गैस ही ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों अगर इसके हम कलर्स की बात करें तो इसका जो सिलेंडर का कलर है दोस्तों वो ग्रीन कलर का होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है, आप सिलेंडर के कलर से भी उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम उसके बात करें उसके सक्शन प्रेशर की दोस्तों, तो उसका जो सक्शन प्रेशर रनिंग प्रेशर है यानी कि हम एसी को रेडी करते हैं तो उसमें जो गैस चार्ज करते हैं उसका सक्शन जो प्रेशर होता है वो हमें तकरीबन रखना चाहिए 60 से 70 PSI। अगर उसके डिस्चार्ज प्रेशर की बात करें तो दोस्तों उसका डिस्चार्ज जो प्रेशर है वो होता है 250 से 300 के दरमियान डिस्चार्ज प्रेशर। दोस्तों हम बात करें R134A के बारे में। दोस्तों R134A जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, वो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर वगैरह में, वाटर कूलर डिस्पेंसर वगैरह में दोस्तों। और इसके अलावा कार का जो एसी होता है, कार एसी, उसमें भी R134A ही इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों अगर हम इसके सिलेंडर के कलर की बात करें तो इसका भी ग्रीन कलर का ही सिलेंडर दोस्तों होता है, तो आप भी इसके ऊपर ही लिखा होता है R134A और इसका फार्मूला भी इसके ऊपर लिखा होता है। अगर इसके हम सक्शन प्रेशर की बात करें दोस्तों तो इसका सक्शन प्रेशर होता है 10 से 20 के दरमियान। वैसे तो जहां पर आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए, आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो जहां पर अच्छा कूलिंग करे वहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं। अक्सर होता है कि सिफर पर भी रेफ्रिजरेटर तैयार हो जाता है और 1-2 PSI प्रेशर पर भी हो जाता है। वैसे जो बताया गया है इसका फार्मूले के ऊपर वो है दोस्तों 10 से 20 के दरमियान PSI। उसके बाद अगर हम इसके डिस्चार्ज प्रेशर की बात करें तो दोस्तों इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 120 से लेकर 150 तक PSI इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। और कार एसी में अगर इसका प्रेशर हम देखें तो इसका कार एसी में जो बैक प्रेशर होता है यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर, चार्जिंग लाइन पर जो प्रेशर दिया हमें रीडिंग मिलती है वहां पर हम इसका प्रेशर सेट कर सकते हैं 35 से 40 के दरमियान, जहां पर हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। यहां पर हम बात करने वाले हैं R410A के बारे में। दोस्तों ये जो गैस है ये तो आपको पता ही होगा, आजकल इन्वर्टर में बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है R410A रेफ्रिजरेंट जो है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मजे की बात, दोस्तों यही गैस जो है ये हमारे वाटर कूलर डिस्पेंसर और कुछ फ्रिज भी ऐसी हैं, रेफ्रिजरेटर ऐसे हैं कि जिसमें ये R410A इस्तेमाल होती है। बहुत कम है वो फ्रिजे हैं जो इम्पोर्टेंस होती हैं बाहर की, उनकी कंपनी ने डिजाइन ही कुछ ऐसा दिया होता है कि उसमें R410 ही डलेगी। दोस्तों अगर इसके हम डिस्चार्ज प्रेशर की बात करें, अगर हम इन्वर्टर पर आकर इसकी प्रेशर की बात करें तो दोस्तों इसके चार्जिंग आप जब गैस चार्ज करते हो तो उस वक्त आपने उसका प्रेशर जो है वो तकरीबन आपने रखना है 140 के दरमियान रखना है। दोस्तों जहां पर आपको आपका रिजल्ट मिले, आपकी सक्शन जो है आपको रिटर्न अच्छी मिल जाए वहां पर आप उसका जो है PSI प्रेशर वो एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक ऐसी गैस का नाम बताने वाला हूं जो अभी आने वाली है, शायद मार्केट में आ गई हो लेकिन अभी वो इतनी यूज नहीं हो रही होगी, R404A के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अब उसके सिलेंडर का रंग जो है वो दोस्तों ऑरेंज होता है और वो गैस जो है वो R134A और R115 और R22 के फार्मूले से मिलकर ही बनाई गई है। वो जल्द ही आने वाली है और जल्द ही जो एयर कंडीशनिंग में उसमें इस्तेमाल की जाएगी, वो ज्यादातर एयर कंडीशनिंग स्प्लिट एसी, विंडो एसी में ही इस्तेमाल की जाएगी दोस्तों, और वो इतनी जहरीली भी नहीं है और उसको आग भी नहीं लग सकती, तो वो काफी अच्छी गैस है और फ्यूचर में वो काफी फायदा देगी। तो दोस्तों R717 गैस के बारे में बात कर लेते हैं, शायद आप जानते ही हो दोस्तों जो गैस है वो इतनी जहरीली है दोस्तों उसको आग भी लग सकती है अगर आप उसके इर्द गिर्द
कोई वेल्डिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आग जलाई हो आपने, तो उसको गैस को आग भी लग सकती है और वो इतनी जहरीली है कि अगर आप उसको ज्यादा मिकदार में सूंघ लेंगे तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। जी हाँ, R-717 गैस बिल्कुल ऐसी ही है कि वो काफी जहरीली है और वो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में, तो वो बर्फ खानों में इस्तेमाल की जाती है और बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज में दोस्तों वो इस्तेमाल की जाती है। बड़े बड़े जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वहां पर वो गैस इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद दोस्तों 502 नंबर हम गैस की बात कर लेते हैं। वो जो गैस है दोस्तों 502 नंबर गैस दोस्तों वो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कमर्शियल एरियाज में, यानी कि कमर्शियल यूनिट जो होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह में लगाए जाते हैं, उनमें वो बड़े बड़े जो एसी हैं उनमें ही 502 गैस इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये जो गैस है ये R-22 और R-115 को मिलाकर ही बनी है और R-22 जो गैस है ये इसमें तकरीबन 15% है और जो R-115 नंबर है वो दोस्तों इसमें तकरीबन 85% गैस है। सिर्फ ये दोनों को गैसों को मर्ज किया हुआ है और इसको एक अलग सिस्टम के लिए ही बना दिया गया है दोस्तों। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कौन सा सिलेंडर है, किसको हमने उल्टा कर गैस डालनी है यानी कि लिक्विड डालना है और किसको हमने लिक्विड नहीं डालना है। दोस्तों मेरे पास ये एक सिलेंडर मौजूद है जिसपे मैं आपको भी गाइड करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको अगर दिखा सकूं, यहाँ पर आप रीडिंग जो लिखा हुआ है आप ये रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऊपर उन्होंने निशान भी दिया हुआ है कि अगर हम ऐसे ही ऊपर की तरफ ही रखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, दिस एंड अप फॉर गैस, यानी कि अगर हम ऊपर रखेंगे तो फिर हमारी जो है गैस ही इससे निकलेगी, इसे रिलीज होगी। अगर हम इस सिलेंडर को ऐसे रखेंगे उल्टा करके दोस्तों, यानी कि इन्होंने निशान दिया हुआ है नीचे वाला, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस एंड अप फॉर लिक्विड। तो दोस्तों यानी कि अगर हम इसको उल्टा कर रखेंगे तो इसमें से लिक्विड निकलेगा। इसके अलावा मैं एक और मेरे पास सिलेंडर मौजूद है जो कि R-134 का है, उस पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो इस पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहां पर सिंपल जो बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। आपके पास कोई भी अगर है कोई ऐसी चीज दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपके पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है आपके पास, तो फ्रिज में आपने R-134A डाली है लेकिन उसमें आपने लिक्विड बिल्कुल भी नहीं यूज करना। कार एसी में लिक्विड यूज हो सकता है लेकिन रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो है उसमें लिक्विड बिल्कुल, डीप फ्रीजर वगैरह में भी लिक्विड बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता। आप उसमें यूज कर सकते हैं R-22, बड़े बड़े जो सिस्टम है उसमें आप लिक्विड यूज कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें लिक्विड यूज कर सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में आप लिक्विड बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो चोक हो जाएगा, आपका कंप्रेसर जो है वो प्रॉब्लम करेगा, वो जल भी सकता है, तो ऐसे में आप लिक्विड उसमें यूज नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड गुड बाय।